गुड मॉर्निंग, नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। बहुत ही शानदार ब्लॉग होने वाला है, पूरा ब्लॉग देखें। और लास्ट ब्लॉग हमने यहीं पे, आप देखें ये लोकेशन, यहीं पे एंड किया था। ये पीछे मेरे जो व्यू आप देख पा रहे हैं, और अगला ब्लॉग हम यहीं से शुरू कर रहे हैं। और आज के इस ब्लॉग में हम जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक जाने वाले हैं। बहुत ही शानदार वीडियो होगा, आप पूरा वीडियो देखें। आइए शुरू करते हैं वीडियो। ये यहाँ का व्यू, बहुत ही शानदार जयपुर का व्यू आप देख पा रहे हैं। इस सिग्नल से एयरपोर्ट की तरफ निकलते ही ये व्यू है। आइए और आगे बढ़ते हैं। JLN मार्ग जिस रास्ते पे हम चल रहे हैं, और ये आपका सामने यूनिवर्सिटी रोड है यदि हम राइट में घूमते हैं तो, और सीधा हवाई अड्डे का रोड है ये। और यूनिवर्सिटी जो है, राजस्थान यूनिवर्सिटी, वो मेरे लेफ्ट साइड में आप देख पा रहे हैं। ये दीवार जो ये है, और ये JLN मार्ग है पूरा जो एयरपोर्ट तक जाता है। पीछे ये सिटी के अंदर से आता है निकल कर, त्रिपोलिया गेट जो है वहाँ से न्यू गेट होते हुए, अल्बर्ट हॉल होते हुए सीधा रोड है ये बिल्कुल। त्रिपोलिया से एयरपोर्ट तक बिल्कुल सीधा सीधा रोड है, और आगे ये यूनिवर्सिटी है। आइए आगे चलते हैं। ये सामने राजस्थान यूनिवर्सिटी का गेट है, और ये यहाँ का पूरा व्यू है। ये JLN मार्ग है, इसी पे आगे बढ़ते हैं। ये राजस्थान यूनिवर्सिटी के सामने से पूरा व्यू है। आइए और आगे चलते हैं। यहाँ यदि हम बात करें तो लेफ़्ट साइड में यदि हम जाते हैं तो कॉमर्स कॉलेज है, जालाना डोंगरी है, सीधा जवाहर सर्किल आएगा, मालवीय नगर का रास्ता है। और यदि राइट में घूमते हैं राउंड बोर्ड से तो बापू नगर और कन्नौडिया गर्ल्स कॉलेज है, और ये यहाँ का पूरा व्यू है। आइए और आगे चलते हैं। ये राजस्थान विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान के अंदर अतिथि गृह, गेस्ट हाउस। और यहाँ पर ये आप देखेंगे तो ये JLN मार्ग पे बापू की मूर्ति लगी हुई है, महात्मा गांधी मार्ग, और इसको महात्मा गांधी सर्किल बोलते हैं। और ये यहाँ का पूरा व्यू है। काफ़ी बड़ी चौड़ी रोड है। आइए आगे चलते हैं। ये सामने आपकी स्क्रीन पे एक और स्कूल, राजा रामदेव पोदार उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, ये भी इसी रोड पे। और ये यहाँ का पूरा व्यू, और इधर भी कुछ गवर्नमेंट के ऑफिस। ये हम सर्किल से निकलते ही ये सब व्यू है, और हमें क्योंकि सीधा सीधा चलना है इस रोड पे। आइए और आगे बढ़ते हैं। राजस्थान यूनिवर्सिटी का ही आर.ए. पोदार मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, मैनेजमेंट के लिए एक डिपार्टमेंट यहाँ भी है, क्योंकि राजस्थान यूनिवर्सिटी बहुत बड़ा है, काफ़ी लंबा चौड़ा जगह में है। और ये सामने का व्यू है। आइए बढ़ते हैं आगे। NCC कम्प्लेक्स, ये गेट नंबर 2 है, यहाँ पर NCC की ट्रेनिंग दी जाती है। और ये यहाँ का पूरा व्यू है इसी रोड के ऊपर, काफ़ी बड़ा रोड। और यहाँ से यदि हम लेफ्ट में जाते हैं तो RTO ऑफिस है, सीधा RTS है, और आगे जगतपुरा MNIT भी है। सीधा चलेंगे तो आगे शिक्षा संकुल भी है, और यदि राइट में घूमते हैं तो बजाज नगर है। ये यहाँ का पूरा व्यू है। और ये राइट साइड में राजस्थान यूनिवर्सिटी का ही कैंपस है पूरा। आइए और आगे बढ़ते हैं। और ये हनुमान मंदिर है इसी रोड के ऊपर।
आइए और आगे चलते हैं। और ये यहाँ पर वन विभाग का है, वानिकी प्रशिक्षण संस्थान, और ये पूरा व्यू है। और ये यहाँ पर सीधा एयरपोर्ट और मालवीय नगर का रास्ता है, जिस रास्ते पे हम चल रहे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। और ये सामने शिक्षा संकुल पूरा एरिया है, इसी रोड पे। और ये पूरा व्यू है, आइए आगे बढ़ते हैं। और ये कुलिस समर्थि वन, JDA का बना हुआ, कपूरचंद पुलिस समर्थि वन, पूरा गार्डन। ये इसका गेट है और ये इसी रोड के ऊपर प्राकृतिक वनस्पति उद्यान, नेचुरल बायोडायवर्सिटी पार्क, ये यहाँ पर है। और ये यहाँ का पूरा व्यू है पार्क के बाहर का। आइए और आगे बढ़ते हैं। मालविया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MNIT, ये MNIT का बाहर का भी इसी रोड से। और ये MNIT के सामने का भी। भगवान महावीर कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, ये सामने। काफ़ी बड़ा कैंसर का हॉस्पिटल है यहाँ पर ये। ये पूरा व्यू हॉस्पिटल का, पूरा बिल्डिंग। और यहाँ पर ये कुछ रास्ते निकल रहे हैं, लेफ्ट में जाते हैं मालवीय नगर है, और मालवीय नगर इंडस्ट्री एरिया है, जगतपुरा है, और सीधा जाते हैं जवाहर सर्किल, टोंक रोड और एयरपोर्ट रोड, जो ये हम सीधा चल रहे हैं इसी रोड पे। आइए आगे बढ़ते हैं। और ये सरस पार्लर, सामने सरस का ऑफिस है यहाँ पर। और सरस पार्लर में शाम को बहुत अच्छी खासी भीड़ होती है, यहाँ आप चाय नाश्ते के लिए या स्नैक्स के लिए, या फिर यहाँ का जो फेवरेट है दूध और दूध से बनी हुई चीज़ें, उनका आप इंजॉय कर सकते हैं। यदि आप बाहर से आते हैं तो एक बार यहाँ ज़रूर आपको ट्राई करना चाहिए। ये इसी रोड JLN मार्ग के ऊपर ही है। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से जो लेफ्ट में रास्ता निकला है, श्री गुरु नानक देव मार्ग मालवीय नगर का, और ये सीधा हमें निकलना है। सामने ब्रिज है जिसके नीचे रेल लाइन है, और ये यहाँ का पूरा व्यू है। आइए आगे चलते हैं। और ये यहाँ ब्रिज के ऊपर का व्यू, सामने का सीधा रोड, और लेफ्ट साइड में आप देख पा रहे हैं WTP, जो कांच का बिल्डिंग आपको दिख रहा है। और ये इधर कुछ और बिल्डिंगें हैं। और ये GT सेंट्रल का व्यू है, ये यहाँ पर ये बिल्डिंग है, और इसके पीछे और बहुत सारी बिल्डिंग हो करके ये GT सेंट्रल का पूरा मार्केट, जो शाम को अच्छी खासी यहाँ पर रौनक होती है। आप यहाँ पर एक बार ज़रूर आ सकते हैं। और ये सामने WTP, और ये सामने का रोड JLN मार्ग। आइए आगे बढ़ते हैं। आचार्य तुलसी मार्ग, GT रोड, तो ये पूरा GT का इलाका। ये नीचे मर्सिडीज का शोरूम है, और आगे पूरा ये व्यू है यहाँ का, ये JLN मार्ग। ये WTP वर्ल्ड ट्रेड पार्क का बिल्डिंग, एक शॉपिंग सेंटर, इसी रोड के ऊपर, JLN मार्ग के ऊपर। वर्ल्ड ट्रेड पार्क WTP, ये WTP से निकलते ही जैन पैक्ट, एक बड़ी कंपनी,
आईटी की, इसी रोड के ऊपर। आइए आगे बढ़ते हैं। ये यहाँ पर श्री वेंकटेश्वर मंदिर है। ये सामने ही फोर्टिज हॉस्पिटल है और ये अभी हम यहाँ खड़े हैं। ये है गिरधर मार्ग, लेफ्ट साइड में जो जाते हैं तो ये पूरा व्यू है यहाँ का। और ये आगे जेलन मार्ग, जवाहरलाल नेहरू मार्ग। आइए आगे चलते हैं। और ये यहाँ पर फोर्टिज हॉस्पिटल का एंट्री का और आउट का गेट, और ये बाहर का सामने का व्यू इसी जेलन मार्ग के ऊपर। कैप्टन अमित भारद्वाज मार्ग, ये थोड़ा चलते ही फोर्टिज से। और ये यहाँ का पूरा व्यू है। सामने बड़ा सर्किल आ रहा है, जवाहर सर्किल, जहाँ से यदि हम लेफ्ट में निकलते हैं तो जगतपुरा और आगरा दिल्ली रोड है, सीधा जवाहर सर्किल और एयरपोर्ट है। और यदि राइट में जाते हैं तो मानसरोवर और सांगानेर का एरिया आता है। और ये सामने आपकी स्क्रीन पे पत्रिका गेट जो जवाहर सर्किल के अंदर ही बना हुआ है। आइए और आगे चलते हैं। और ये जवाहर सर्किल से जो रास्ते निकलते हैं, जेलन मार्ग से हम इंट्री कर रहे हैं तो साउथर्न बाईपास जो है ले, पहला लिफ्ट, फिर एयरपोर्ट का टर्मिनल टू, स्टेट हैंगर्स, B2 बाईपास और आश्रम के मार्ग, यहाँ से निकलते हैं। और ये आपकी स्क्रीन पे पत्रिका गेट। शाम को अच्छी खासी भीड़ यहाँ पर होती है। ये पत्रिका गेट जवाहर सर्किल के अंदर ही बना हुआ है। जवाहर सर्किल बहुत बड़ा सर्किल है जिसमें तकरीबन 1.5 किलोमीटर का पूरा अराउंड होता है, और उसी के अंदर ये पत्रिका गेट बना हुआ है। आइए आगे चलते हैं। ये जवाहर सर्किल से पहला लेफ्ट निकल रहा है दिल्ली आगरा रोड के लिए। और ये आगे सीधा रोड और उसका व्यू है। आइए आगे चलते हैं। ये जवाहर सर्किल का व्यू, आगे आप देखेंगे तो लेफ्ट साइड में एयरपोर्ट का रास्ता निकल रहा है, और सीधा आगे बढ़ते हैं तो टोंक रोड का आगे से रास्ता निकलेगा। और ये इधर से जवाहर सर्किल का पूरा व्यू आपको देख पा रहे। आइए आगे चलते हैं। ये सामने एयरपोर्ट का रोड है, और लेफ्ट में निकलते हैं तो जेलन मार्ग और टोंक रोड है। आइए हम सीधा चलते हैं इस रोड पर। और ये एयरपोर्ट की तरफ जाता हुआ रोड काफ़ी चौड़ा और काफ़ी चारों तरफ हरियाली इस रोड के ऊपर। आइए आगे बढ़ते हैं। ये टर्मिनल 2 जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का रास्ता है, और ये यहाँ पर एक चौक है छोटा, इससे यदि राइट में घूमते हैं, जो गाड़ियाँ घूम रही हैं, तो टोंक रोड को जाके मिलता है, और ये सीधा एयरपोर्ट को जाता है। ये एयरपोर्ट का बस स्टॉप, एयरपोर्ट के बाहर ही ये हमारे सामने एयरपोर्ट है, और ये इसका व्यू है। ये सामने एयरपोर्ट का व्यू। जयपुर इंटरनेशनल हवाई अड्डे के बाहर का व्यू है। सामने सिक्योरिटी और अंदर एंट्री करती हुई गाड़ियाँ, और सामने ये बिल्डिंग, एयरपोर्ट की बिल्डिंग। ये पूरा व्यू यहाँ का। तो दोस्तों, आपने ये पूरा वीडियो देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इस शानदार व्यू के साथ इस वीडियो को एंड करेंगे। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक आप अपना और अपनों का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।